प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा पर शहर भर में भक्तों ने राम पताका लेकर भव्य शोभा यात्रा निकाली। प्रभु श्री राम के भव्य प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर सिर्फ प्रभु राम की नगरी अयोध्या ही नहीं बल्कि भोले बाबा की नगरी अयोध्या के रंग में रंगी नजर आई। जगह जगह शोभा यात्रा, प्रभात फेरी, भंडारा, सुंदरकांड की धूम रही। ऐसा उत्सव बनारस में ही नहीं पूरी दुनिया में कभी देखने को नहीं मिला। पूरे देश और दुनिया के विभिन्न शहरों में प्रभु श्री राम के आगमन की ही धूम मची रही। सभी आयोजन प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा हेतु हुआ, लेकिन विश्व प्रसिद्ध शिव बारात समिति ने इन सबसे थोड़ा हटकर देश और विदेश के राम भक्तों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए शोभा यात्रा का आयोजन प्रभु श्री राम उत्सव यात्रा के नाम से किया। हमेशा की तरह इस बार भी शिव बारात समिति की ये उत्सव यात्रा बिल्कुल अलग और अनूठी थी। उत्सव यात्रा में अयोध्या मंदिर की पूरी कथा ताला खुलने से लेकर शिला पूजन से लेकर अयोध्या में कोठारी बंधुओं और कार सेवकों के बलिदान को झांकी और नाट्य रूपांतर से दिखाया गया और उस बलिदान के फलस्वरूप आज अयोध्या में भव्य मंदिर के रूप में दुनिया के सामने है। मंदिर की काष्ठ अनुकृति और प्राण प्रतिष्ठा उपरांत राम दरबार की भव्य झांकी शामिल रही। इस उत्सव यात्रा में नगर के सभी समाज के लोगों ने सक्रिय भागीदारी किया, साथ ही नगर के लगभग सभी संस्था के लोग भी शामिल रहे। जगह जगह पुष्प वर्षा होती रही, अंत में गुदौलिया पहुंचकर महाआरती के साथ समापन हुआ। जगदम्बा तुलस्यान, दिलीप सिंह, अजीत सिंह बग्गा, राजकुमार जायसवाल, अजय केशरी, मनोज जायसवाल आदि भक्तगण शामिल रहे। भगवान राम प्रागण विष्णु बता अपने भगवान राम अपने जगह पर विराजमान हो गए हैं। 5 साल से जो कष्ट चल रहे थे, टेंट में थे, वो टेंट से हट कर क्या मोदी जी ने वहाँ पर उनका भव्य मंदिर ने स्थापित कर दिया है। इसी क्रम में प्राचीन श्री राम जानकी मंदिर रघुनाथ नगर महमूरगंज में भी श्री राम जन्मभूमि अयोध्या के नवनिर्मित भव्य मंदिर में भगवान श्री राम लला जी के प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष में शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा मंदिर प्रांगण से निकलकर तुलसीपुर, महमूरगंज, श्रृंगेरी मठ तक गई। शोभा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं बच्चे सम्मिलित रहे, जो हाथों में श्री राम का पताका, घंटा, शंख लेकर राम नाम का उद्घोष करते हुए चल रहे थे। यात्रा के बाद मंदिर प्रांगण में भारत विकास परिषद महिला शाखा द्वारा संगीतमय सुंदरकांड पाठ व राम कीर्तन किया गया। इस मौके पर साधना फाउंडेशन के सौरभ मौर्य द्वारा रक्तदान शिविर भी आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से विधायक कैंट सौरभ श्रीवास्तव, आशुतोष सिन्हा, सदस्य विधान परिषद स्नातक क्षेत्र वाराणसी, आरपी कुशवाहा, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भक्तगण शामिल रहे। Yeah.
इसी कड़ी में प्रभु श्री राम के अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के पावन पर्व के उपलक्ष्य में काशीपुरा रामलीला समिति व सभी राम भक्तों द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। वहीं शोभा यात्रा काशीपुरा से उठकर गोला दीनानाथ, पियरी, कबीर चौरा, लोहटिया, मैदागिन, बुलानाला होते हुए काशीपुरा जाकर सम्पन्न हुई। शोभा यात्रा में विभिन्न प्रकार की झांकियां सजाई गई थी, जिसमें मुख्य अतिथि अरविंद सिंह, पूर्व एमएलसी उपस्थित रहे, संरक्षक राजेन्द्र प्रसाद क्षत्रिय, विजय कुमार, शिव प्रसाद, राम किशोर, छेदीलाल, अध्यक्ष आलोक सिंह आदि सदस्य मुख्य रूप से उपस्थित रहे। जय श्री राम।